नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनवी न्यूज और मैं हूं नीतू त्रिपाठी। सार्क सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण देने की घोषणा के बाद पाकिस्तान का ये दाव अब उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निमंत्रण को ठुकरा दिया है। पाकिस्तान के न्योते को अस्वीकार करते हुए भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि भारत सार्क सम्मेलन में शामिल नहीं होगा। बुधवार को हैदराबाद में पत्रकारों के सवालों के जवाब में सुषमा स्वराज ने कहा कि जब तक पाकिस्तान भारत में आतंकी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाएगा तब तक द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। इनविटेशन हैज ऑलरेडी बीन गिवन बट वी आर नॉट रिस्पोंडिंग टू इट पॉजिटिवली बिकॉज एज आई सेड दैट अनलेस एंड अंटिल पाकिस्तान स्टॉप्स टेररिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया देयर विल बी नो डायलॉग एंड वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन सार्क। आपको क्या लगता है कि मोदी जी के और मेरे में कोई मतभेद है इस पे? मैं विदेश मंत्री हूँ, वो प्रधानमंत्री। गौरतलब है कि 19वें सार्क शिखर सम्मेलन का आयोजन 2016 में पाकिस्तान में किया जाना था, लेकिन भारत समेत बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने इस समिट में हिस्सा नहीं लिया था। 18 सितंबर को भारत में जम्मू कश्मीर के उड़ी में भारतीय आर्मी कैंप पर आतंकी हमला हुआ था और हमले के विरोध में भारत ने सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। वहीं बांग्लादेश घरेलू परिस्थितियों का हवाला देते हुए इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था, जिसके बाद इस सम्मेलन को रद्द करना पड़ा था। हर दो साल में होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन की स्थापना 1985 में की गई थी, जिसमें दक्षिण एशिया के 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होती है। सार्क में अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं। आखिरी सार्क शिखर सम्मेलन 2014 में काठमांडू में आयोजित किया गया था। एनवी न्यूज के लिए आउटपुट डेस्क से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।